today's topic is Mammalia Classification. Classification of mammals, it is the largest class of animal kingdom and it is based on their reproduction. They are classified into Prototheria, Metatheria and Eutheria. ये प्रजनन के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जो प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटोथेरिया, एक्सटर्नल पिनार एब्सेंट इन यंग स्टेज, टीथ आर प्रेजेंट बट इन एडल्ट द हॉर्नी प्लेट्स आर फॉर्म्ड, मेमोरी ग्लैंड आर प्रेजेंट एंड टीयर्स आर एब्सेंट. Body is covered with hair. Pelvic girdle shows the epipubic bones. Vertebrae will not show epiphyses. Ribs are single-headed. Corpus callosum is absent in brain. Cochlea is simple and motile. In the males, the crest is in abdominal. Females are ageing and hence it is known as the Prototherians. They are also known as the egg-laying mammals. इनमें वायु कण अनुपस्थित होते हैं. युवा अवस्था में और प्रारंभिक अवस्था में दांत होते हैं, जो एक बाद में प्लेट के रूप में चेंज हो जाते हैं. जब कैन ये दांत एक प्लेट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. स्तन ग्रंथियां प्रेजेंट उपस्थित होती है और इनमें आंसू नहीं पाए जाते, लकड़ा में जो है एक्सेंट, तो उसके कारण इनमें आंसू भी नहीं आते हैं. शरीर पूरा वाटर से पता हुआ है एंड पेल्विक गर्डल के अंदर एपिक्यूबिक हड्डियाँ होती हैं. अगर प्रेशर के कारण रिफाइसिस नहीं दिखाई देता है. पसलियाँ एकल प्रकार एक सर की होती है, डबल हेडेड नहीं होती है. मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम अनुपस्थित होता है और इनके अंदर कोक्लियर मिडिल ईयर के अंदर जो हड्डियाँ हैं कि बोन्स है वो कंप्लीट नहीं होती हैं. जैसा कि डेवलप्ड मैमल के अंदर टेस्टिस दही कुआ या एब्डोमिनल पेट के अंदर नहीं मिलती है, इसके अंदर रशन पेट के अंदर पाए जाते हैं. मादा अंडे देने वाली होती है, इसके कारण इसको प्रोटोथेरियन कहते हैं. दे इंक्लूड दी आर द सब क्लास इंक्लूड द ऑर्डर मोनोफिलेटा. मोनोफिलेटा मीन्स दे आर ओनली फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया. एग्जाम्पल है इकिडना, स्पाइनी एंटीटर एंड ओरिंथोरिंकल कैटीटर W. Leticus. Second one is Metatheria. The subclass Theria constitute of the modern mammals. ये आधुनिक स्तनधारियों का क्लास है या ऊपर है. इसके अंदर दे इंक्लूड द थ्री इंट्रा क्लास दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज द जो टू पेंटोथीरिया है जुरासिक वर्ल्ड के अंदर एंड ट्रैबेटिकुलेटा है इनका पूर्वज है. दे आर मार्सुपियल मेटाथीरियन एंड प्लेसेंटल यूथीरियन. दे मोस्ट हाईली ऑर्गेनाइज एंड द एडवांस मैमल्स आर फाउंड इन दिस ग्रुप दिस इंट्रा क्लास. मेटाथीरिया एंड यूथीरिया आर प्रेजुम टू हैव अराइजन फ्रॉम द अनट्रेस्ड ब्रांच ऑफ द जुरासिक and both diverge along the separate line of the evolution during the Cretaceous period. ये जुरासिक पीरियड के अंदर ट्री का जो evolution ट्री माना जाता है उससे अलग हो गई ये ब्रांच और इनके Cretaceous period के अंदर ये Metatheria और Eutheria का उदय हुआ. इनमें बॉडी इज कवर्ड विद द हेयर्स, जैसे दूसरे लोअर ग्रुप्स के मैमल में भी पाया जाता है. इसमें भी शरीर पूरा बालों से ढका रहता है एंड इन अर्ली मैमल्स द पिना आर नॉट प्रेजेंट बट इन दिस ग्रुप
the pinna external ear is present and well developed and absent in mold. Iska exception hai, that is the molds are the exception in which they are metathelium, but the external ear is absent. Tail is generally long and prehensile, an important organ to balance in the kangaroo, rats and champions. In the pooch, एक बड़ा इम्पोर्टेंट लंबी होती है जो बैलेंस का काम करती है, संतुलन का काम करती है. और मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड ऑफ द शिबिसिस ग्लैंड. इनके अंदर जो मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो बच्चों को दूध पिलाने काम आती है, दे आर मॉडिफिकेशन ऑफ द शिबिसिस ग्लैंड. फीमेल यूजुअली हैव द मार्सुपियल पाउच और मार्सुपियम, बट एब्सेंट इन द डायगल्फस एंड द डेसी यूरेडियस. इनके अंदर जो मार्सुपियल्स हैं उनके अंदर एक पाउच पाया जाता है जिसमें बच्चा अपना प्रारंभिक जीवन काल व्यतीत करता है. बट इन डायडेल्फस दे आर द मेटाथेलियंस एंड दे आर यूटेरिन, बट इन डायडेल्फस एंड डेसी यूरेडिया फीमेल डजेंट हैव द मार्सुपियल्स और पाउच. मार्सुपियल का पाउच एब्सेंट अनुपस्थित होता है इन दोनों ग्रुप. It includes the ectoderm structure like the hairs developed from the mycelial layer of the epidermis and the claws. Ectoderms के द्वारा hairs और इसकी जो mycelial layer है वो claws और hair का निर्माण करती है. Skin contain the sweat gland and sebaceous gland and the scent gland. Skin, sweat gland, sebaceous gland और सेंट लेंथ का उत्पादन करती है. स्कल इज डायकोंडाइलिक एंड ब्रेन केस स्मॉल. ऑर्बिटरी टेम्पोरल फॉसा फुली कंप्लीट एंड नो पोस्ट ऑर्बिटल बार. बोनी कैविटी इज इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली. इसमें तालू जो है जो ऊपर मुंह में बस सतह पर जो बोन्स पाई जाती है इसको पैलेट कहते हैं, वो पूरा नहीं होता है, आधा ही मुंह के स्टार्टिंग वाले पार्ट में होता है. दैट इज द इनकम्प्लीट. द जुगल बोन रीचेस बैक टू द पार्टिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ द ग्लेनोइड कैविटी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ द लोअर जॉ. जुगल बोन पीछे की तरफ मुड़कर ग्लेनोइड कैविटी के वहाँ आपस में जुड़ के लोअर जॉ या निचले जबड़े का निर्माण करती है. लैक्रिमल बोन्स एक्सटेंड आउटसाइड द ऑर्बिट. लैक्रिमल हड्डी आइस के बाहर तक बढ़ी हुई होती है. रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम आर टिपिकली मैमेलियन कैरेक्टर्स एंड रेस्पिरेशन बाय द लंग्स. इसमें श्वसन, संचार, उत्सर्जन प्रणाली का और अच्छी तरह से विकास हो चुका है और श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है. फीमेल आर विविपरस. मादाएँ बच्चों को जन्म देती हैं. The egg is yolky and covered with the albumen and the shell membrane. अंडा जर्दीदार होता है जो albumen और shell membrane से covered रहता है. They are developed in the pouch attached with the teats. The young stays in the pouch for 8 to 9 months and mother remains gestationally induced anostomosis. मां के अंदर पाउच पाया जाता है जिसके अंदर बच्चे 8 से 9 महीने तक रहते हैं और उसमें बच्चों को वो फीड करते हैं. नेक्स्ट ग्रुप इज द यूथेरियन. यूथेरियन आर द प्लेसेंटल मैमल्स. ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं. यूथेरियन प्रोड्यूसेस फीड ड्यूरिंग द जेस्टेशन बाय द प्लेसेंटा. यूथेरियंस आर द डिस्टिंग्विश from the known uterine by the various phenotypic traits of the feet, ankles, jaws, teeth and the all extended uterine like the epipubic bones. सभी uterines के अंदर बच्चे को placenta के द्वारा food मिलता है और इनके अंदर especially टखने, जबड़े, दांतों और इन characters इनकी bones के द्वारा इनका विकास हो चुका है और इनमें सभी के अंदर एपिप्यूबिक
bones nahi pai jati hai. It is the taxonomical name for the main group of the living mammals. In mein sabhi eutherians include the living mammals. It contain the placental mammals. Inke andar sabhi apra standardary prani shamil hai, which humans are one species. It was introduced by the Thomas Henry Huxley in 1880. Members of the eutherian are not found all continents in all the oceans. इस ग्रुप के जीव सभी जगह पर सभी महाद्वीपों पर सभी महासागरों में पाए जाते हैं. ऑर्डर यूडेंटेटा, ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा एंड ऑर्डर पेरिसोडैक्टाइला. और यूडेंटा विदाउट टीथ एंड दे लॉस्ट देयर टीथ, दे हैव द वाई अदर लॉस्ट देयर फ्रंट टीथ ओनली. दे हैव द स्ट्रॉन्ग कर्व्ड क्लोज. And example are the armadillo and the sloth, जिनके अंदर आगे के जो पंजे हैं उनमें काफ़ी बड़े क्लोज पाए जाते हैं जो जमीन खोदने के काम आते हैं. इंसेक्टिवोरा, ये इंसेक्ट को कीड़ों को खाते हैं. उनके अंदर जो आगे वाले टीथ हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और ये अपने जो शिकार है उनको पकड़ने के लिए काम में लेते हैं. एग्जाम्पल है हेजोक. कार्निवोरस, दे हैव द लार्ज पॉइंटेड कैनाइंस. इनके अंदर जो आगे के कैनाइंस है बहुत तीखे होते हैं. सभी दांत इनमें मजबूत होते हैं जो हड्डियों को और मांस को तोड़ने और ग्राइंडिंग के काम करते हैं. दे हैव द स्ट्रॉन्ग क्लोज. इनके अंदर जो पंजे हैं वो भी काफ़ी तीखे और मजबूत होते हैं. एग्जाम्पल है लायन, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स, डॉग, कैट एंड सील. सभी प्रीडेटरी ऑर्गेनिजम्स जो अपने शिकार को मारने, काटने, चीरने का काम करते हैं. दे इंक्लूड इन टू द कार्निवोरा. पेरिसोडैक्टाइला, दे आर द हर्बीवोर्स, शाकाहारी हैं. सो दे आर द ओटूस. इनके अंदर विषम पंजे पाए जाते हैं. एक्सेप्ट इन दे हॉर्नी हूफ, जो इनके पंजे हैं खुर हैं वो उनके अंदर. दे हैव द बिग टीथ, बिग साइज, एडेप्ट फॉर द ग्राइंडिंग. इनके अंदर टीथ की साइज चौड़ी और बड़ी हो जाती है जिससे ये अपने फूल पत्तियों और सारी घास को लंबे समय तक चबाने के काम आते हैं. एग्जांपल है हॉर्स, कंकी, जेब्रा एंड राइनोसिरस. इस पेरिसोडैक्टाइला के अंदर सभी हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं जो घास, चारा, चाय इनको पीसने के काम आता है. आर्टियोडैक्टाइला, दे आर ऑल्सो हर्बीवोर्स, ये भी शाकाहारी हैं. इनमें भी इवेंट वॉर्ड भी पाया जाता है. बॉडी इज कोटेड विद द हॉर्नी हूक. इनकी जो उम्र है वो कड़क शीत से कवर देती है. एग्जांपल है शीप, गोट्स, जिराफ, डियर एंड कैमल्स. नेक्स्ट ऑर्डर इज सिटेशिया, द ह्यूज एक्वेटिक एनिमल, लिव्स इन द सी एंड द ओशन. द फॉलिंग्स आर मॉडिफाइड इनटू द पेडल लाइक स्ट्रक्चर एंड दे आर द नोन एज द फ्लिपर. आगे के जो पादे इनमें पंख नुमा चपटे हो जाते हैं जिनको फ्लिपर्स कहते हैं. व्हेल और शार्क एंड दे हैव द एटमोस्फेयर, दे ब्रीथ विद द लंग्स. सेक्सेस आर सेपरेट. फीमेल गिव बर्थ टू सेकल देयर यंग वंस. टेल फिन इज हॉरिजॉन्टल. एग्जाम्पल है व्हेल एंड डॉल्फिन. इनके अंदर जो अग्रपाद हैं वो बड़े बड़े क्लिपर्स और पंख की वजह से जो तैरने के लिए मदद करते हैं. ये पानी में पाई जाती है पर ये मैमल्स हैं. एग्जाम्पल है वेरी वेल नोन एग्जाम्पल आर द ह्यूज व्हेल्स एंड डॉल्फिन. रोडेंशिया, दे आर द पेयर ऑफ इंसिजर इन बोथ अपर एंड लोअर जो. इनके अंदर इंसिजर्स आर उपले और निचले जबड़े में पाए जाते हैं. इंसीजर्स आर शार्प एंड चीजल शेप्ड. इंसीजर्स तीखे और चीजल नुमा होते हैं, तीखे होते हैं, छेनी के आकार के होते हैं. टेल इज लॉन्ग एंड ईयर आर स्मॉल. ये इनके अंदर टेल भागने और बैलेंस बनाने के लिए होती है इसलिए लंबी होती है. और कान, क्योंकि ये बिल बना के रहते हैं इसलिए छोटे छोटे पाए जाते हैं. एग्जाम्पल है रेट, माउस एंड स्क्वायर. लेगोमॉर्फा, दे हैव टू पेयर ऑफ इंसीजर इन अपर एंड लोअर जो एंड कैन बी शॉर्ट, ईयर्स आर लॉन्ग सच एज रैबिट. काइरोप्टेरा,
four limbs are modified into wings, जो इनको हवा में उड़ने का काम करते हैं. द फिंगर्स ऑफ द सेकंड एंड द फिफ्थ इलोंगेट एंड स्किन एक्सटेंड फ्रॉम द बॉडी इन बिटवीन दीज फिंगर्स. ये दो जो फिंगर्स होते हैं इनके बीच में नीपर्स या स्किन का पट पाया जाता है जो इनको उड़ने में मदद करता है. और ये पंख का आकार ले लेते हैं. दे बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट. ये काइरोप्टेरा का ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स नाइट के अंदर ही उड़ते हैं. एग्जाम्पल है हेट. प्रोबेसिडा, दे हैव लॉन्ग मस्कुलर प्रोबेसिस. इनके अंदर प्रोबेसिस लंबी हो जाती है और एक ट्यूब के नुमा हो जाती है. द टू अपर इंसीजर ग्रो फ्रॉम नोन एज द एलिफेंट कैनाइंस. जो ऊपर के दो इंसीजर्स हैं, कई बार एग्जाम्पल पूछते हैं हाथी में, हाथी के दोनों दांत किसका मॉडिफिकेशन है. देट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द इंसीजर्स. सो जो हाथी के दोनों दांत निकले रहते हैं ऊपर, वो दे आर द इंसीजर्स. एग्जाम्पल है प्रोबोसिडा का. इनमें जो प्रोबोसिस है वो मस्कुलर ट्यूब नुमा होती है जिससे सारे काम परफॉर्म करता है. सारे ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ट्रंक. एग्जाम्पल है एलिफेंट. द प्राइमेट्स द मोस्ट हायर एनिमल्स, दे हैव टू पेयर ऑफ द पेंटाडेक्टाइल लिम्स. हमारी तरह इनके अंदर हाथ के अंदर पांच उंगलियां पाई जाती हैं और अंगूठा उनसे अलग होता है. द ब्रेन इज लार्ज, ब्रेन बड़ा होता है. नर्वस सिस्टम इज हाईली डेवलप्ड. एंड एग्जाम्पल है मंकी, लीमर, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड मैन. दे ऑल इंक्लूड द प्राइमेट्स. थैंक यू.